नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल रैसम। सो इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखे थे स्पेशल ऑपरेटर्स और उनका डेमो भी ट्राई किया था। सो आज हम कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे जिनमें है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनमें हम कंसीडर करेंगे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आप इन ऑपरेटर्स को देख सकते हैं जिनका यूज़ हम पहले मैथ्स में भी करते आए हैं, तो ये कुछ नया नहीं है, वही है। सिर्फ यहाँ पे हम उनके दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन चेक करें कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या फिर नॉट इक्वल टू। सो यहाँ पे इन ऑपरेशंस का रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप इज इक्वल टू का यह ऑपरेटर देख सकते हैं, यहाँ पे डबल इक्वल टू हमने यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं लिखा। तो अगर आपको याद हो तो सही है कि अगर हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं तो वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर कंसिडर करेगा। इसलिए यहाँ पे अगर हमें रिलेशन चेक करना है दो ऑपरेंड्स के बीच तो हमें डबल इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, वरना सिंगल इक्वल टू के लिए तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम इसका डेमो देखते हैं कि कैसे ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है आंसर। यस 4 less than 10, यस इट्स ट्रू। देन 5 = 4, यानी ये चेक कर रहा है कि 5 = 4 है कि नहीं। सो इसका आंसर आएगा फॉल्स। देन 4.5 less than 10, यस इट्स ट्रू। -2 less than -3, फॉल्स। 7 not equal to 8, यानी 7 is not equal to 8, यस इट्स ट्रू। देन हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 > 9+2, यानी ये सबसे पहले 9+2 होगा यानी 11, 10 > 11 है, नो, सो इट इज़ फॉल्स। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि हमें ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं आंसर, जिनका यूज़ हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। यहाँ पे आप एंड और नॉट ही इसे कंसिडर करें। जैसे हम इंग्लिश सेंटेंस में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वैसे ही हमें कोडिंग लैंग्वेज में भी इनका यूज़ करना है, और इनका मतलब भी यही है एंड और एंड नॉट। तो इनका यूज़ देखते हैं। फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशंस इन वन लाइन, यानी एक ही लाइन में हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। लाइक एंड के लिए देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन सी, यानी ये दो एक्सप्रेशन हैं जिनको हमें एंड से कंबाइन किया हुआ है। लाइकवाइज हमें और से भी कंबाइन किया हुआ है एंड इट इज़ नॉट। सो ये ऑपरेटर्स भी हमें ट्रू एंड फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करेंगे, यानी कि ये पहले ये कंडीशन चेक करेगा फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर दोनों ट्रू है तभी ये पूरा एक्सप्रेशन ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स है तो वो इसे फॉल्स ही मानेगा पूरा एक्सप्रेशन। लाइकवाइज इसका ऑपोजिट और में है, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है। और अभी नॉट पे आते हैं, तो नॉट में अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसका ऑपोजिट यानी ट्रू ये रिटर्न करेगा, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसका भी यूज़ हम आगे कैसे करते हैं वो हम दिखाएंगे डिसीजन मेकिंग में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।